गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा चैप्टर था जनसंख्या वितरण एवं वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तो हमने अभी तक जनसंख्या का वितरण कहाँ कितना क्या है, कौन कौन से ऐसे माध्यम है जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब आज जो हमारा चैप्टर है वो आपका है जनसंख्या घनत्व का पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम पीडी के नाम से जानते हैं। तो जनसंख्या घनत्व जो है क्या होता है, तो देखिए आप क्या आपने देखा होगा कहीं जनसंख्या इतनी ज़्यादा होती है, कहीं इतनी कम होती है। तो कम क्यों होती है वहाँ पे और ज़्यादा क्यों होती है, कोई भी स्थल खंड देख लें आप, कोई भी देश देख लें, उस देश के अंदर भी जो आबादी है, आबादी कहीं ज़्यादा निवास करेगी कहीं कम निवास करेगी। पहाड़ी इलाका है तो आबादी कम निवास करेगी, मैदानी इलाका है तो ज़्यादा करेंगे, जो मैदान है तो और ज़्यादा करेंगे, समुद्र के इलाके हैं तो ज़्यादा निवास करेंगे। रीजन ये होता है कि संसाधन जितने जहाँ अवेलेबल होते हैं, आबादी अपनी जरूरतों के हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड होती है, और इसका ये रिजल्ट निकलता है कि आबादी भी वहीं पर ज़्यादा निवास करता है। दूसरी बात कि जनसंख्या घनत्व है क्या, मतलब कि क्या है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व एक रेशियो है पॉपुलेशन जो आबादी है आबादी का, और जो आबादी जिस क्षेत्र में निवास कर रही है उसके क्षेत्रफल, ये एक रेशियो है जनसंख्या घनत्व। जैसे ये इलाका अब इस इलाके में यहाँ अगर आबादी निवास कर रही है, ठीक है, यहाँ निवास क्यों कर रही है, तो इसका घनत्व कितना है। तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर, इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र को लिया जाएगा, और ये जो आबादी है, इस आबादी के अंदर इस क्षेत्रफल का जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे इसको, तो आपका जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। यानी ये प्रतिनिधित्व करता है जनसंख्या घनत्व उस क्षेत्र को, उस आबादी का डेफिनेशन। या ये कहते हैं कि किसी प्रदेश में निवास करने वाले, किसी प्रदेश में निवास करने वाले, ये प्रदेश है पूरा, तो किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या, ये मनुष्यों की संख्या है, की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल, और प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये पारस्परिक अनुपात, यानी किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या, ये पूरा प्रदेश है इसके अंदर जो मनुष्य निवास कर रहे हैं वो, ठीक है, के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को हम जनसंख्या घनत्व या पीडी के नाम से जानते हैं। क्लियर। दूसरी बात, पॉपुलेशन क्यों है वहां ज्यादा, इसका रीजन क्या है, ये रिसोर्सेज संसाधन मटियां है, खनिज संसाधन है, जैसे संसाधन वन संपदा है, जहां जितनी ज्यादा होगी उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आबादी वहां पर ज्यादा निवास करेगी। इसकी उपयोगिता सही जनसंख्या अधिक निवास करते हो, ये रिजल्ट होता है कि उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या घनत्व अधिक है। अब देखते हैं कि कहीं का जनसंख्या घनत्व 9000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो कहीं का 34 ही है। क्यों 34 है, रीजन ये है कि क्षेत्रफल तो ज्यादा है लेकिन आबादी कम निवास कर रही है, कहीं क्षेत्रफल कम है लेकिन आबादी ज्यादा निवास कर रही है, ये रीजन होता है कि वो जो रेशियो है वो कम और ज्यादा होता रहता है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व, घनत्व तो ये हो गया लेकिन कितने प्रकार का घनत्व, इसके भी प्रकार होते हैं, तो कितने टाइप्स के घनत्व होते हैं, जनसंख्या घनत्व याद करने के किस किस टाइप के होते हैं, तो वो हम देखते हैं इसके अंदर। कितने प्रकार के जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं, तो जनसंख्या घनत्व देखिए आप, पहला नंबर आ रहा है गणितीय घनत्व का, कितना कि गणितीय घनत्व
क्या होता है गणित के घनत्व? कुल जनसंख्या में उसके कुल क्षेत्रफल का भाग है। सूत्र इसका है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। यानी गणित के घनत्व कहता है कि कुल जनसंख्या जो है उस कुल जनसंख्या में आप कुल क्षेत्रफल का भाग दे दो। ये आपको बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से उपलब्ध हो सकते हैं डाटा इसके, इसलिए ये सरलता से निकाला जा सकता है। इसके आगे की जो प्रकार है उस प्रकार में डाटा की जो आंकड़े हैं आंकड़ों की विशिष्ट सुविधा उपलब्धता वे सारी परिस्थितियाँ उस पर डिपेंड करती है, लेकिन गणितीय जो घनत्व है वो आसानी से निकाला जा सकता है। यानी किसी स्थल भाग पर मनुष्य का जो मनुष्य की जो आबादी है उस आबादी का भाग दिया जाता है, उस आबादी में उस क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है, तो आपका ये गणितीय घनत्व ज्ञात होता है। अब अगला है आपका आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व इससे जुड़ा हुआ गणित, और अर्थ किससे प्राप्त होता है? संसाधनों से, रिसोर्सेज से, अर्थ संसाधनों से प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक घनत्व संसाधनों को, संसाधनों की जो उत्पादन क्षमता है और उस प्रदेश में जो निवास करने वाले मनुष्य हैं उनकी संख्या जो होती है उस संख्या के ऊपर ये सूत्र डिपेंड करता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सूत्र तो वही रहता है, इसका सूत्र तो आपका वही रहेगा, फर्क इतना है कुल जनसंख्या इसमें जो भाग किया जाए अब कुल क्षेत्रफल का भाग ना देगा कुल संसाधनों का भाग देगा। क्लियर? क्या है देखा आर्थिक घनत्व अर्थ से जुड़ा होगा, अर्थ का संपर्क होता है संसाधनों के, संसाधनों से कैसा बनता है आर्थिक घनत्व। तो जाहिर सी बात है कि कुल संसाधन जो है उन संसाधनों का भाग किसे दिया जाता है? कुल जनसंख्या दिया जाता है, तो आपका आर्थिक घनत्व प्राप्त होता है। कुल संसाधनों का भाग कुल जनसंख्या के अंदर दिया जाता है तो आपका आर्थिक घनत्व प्राप्त होता है। फिर अगला है आपका कार्य घनत्व। कार्य घनत्व, कार्य घनत्व क्या होता है? तो देखिए आप कार्य घनत्व तीसरा आपका कार्य घनत्व। कार्य घनत्व क्या होता है? कार्य क्या कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है कृषि भूमि, यानी ऐसे तो जमीन तो बहुत सारी पड़ी है लेकिन उस जमीन के अंदर उस जमीन के ऊपर जो कृषि भूमि जहां कृषि कार्य किया जाता है जो जनसंख्या उस पर डिपेंड हो रही है, कृषि के अंदर जो जनसंख्या डिपेंड हो रही है वह जनसंख्या यानी किस क्षेत्र को कितने क्षेत्र में कृषि कार्य कर रही है उसको हम इसके अंदर काउंट करते हैं। तो कह सकते हैं कि सूत्र आपको कृषि क्षेत्र की भूमि कृषि क्षेत्र की भूमि यानी कुल जनसंख्या
संख्या में कृषि क्षेत्र की जो भूमि है उसका जब इसमें भाग लिया जाएगा तो ये आपका कार्य घनत्व आ जाएगा। और अगला आपका कृषि घनत्व, ये कृषक घनत्व, ये कृषक घनत्व, यहां पे कृषक घनत्व के अंदर आपकी जो सिर्फ ऊपर की जो कुल जनसंख्या है इसमें मतलब आएगा, नीचे की कृषि भूमि कृषि क्षेत्र वही रहेगा। यहां पे जो कृषि कार्यों की जनसंख्या लिखी हुई है उसको इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, इसको बोलेंगे कृषि घनत्व। कुल कृषि में कुल कृषि में स्कंद कुल कृषि में स्कंद जनसंख्या बटा कृषि क्षेत्र की भूमि। तो गणित जी में तो सूत्र ऐसा कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, आपके जगह को सूत्र ऐसा कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन, या संसाधनों का भाग दिया जा रहा है कुल जनसंख्या। जब यहां बात होती है कि कार्य घनत्व क्या होगा तो कुल जनसंख्या में कृषि क्षेत्र की जो भूमि है उसका भाग दिया जाएगा, और कृषि घनत्व में कुल कृषि में सृजित जो जनसंख्या है उसके अंदर कुल कृषि क्षेत्र की जो भूमि है उसका उसमें भाग दिया जाएगा। अगला नंबर आ रहा है आपका पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण घनत्व, पोषण घनत्व, पोषण से ही प्राप्त जो घनत्व है उसके ध्यान में लिखते हैं। पोषण घनत्व क्या होता है? ये पॉइंट लेना नहीं देता हूं। पोषण घनत्व इसका सूत्र होगा कि कुल जनसंख्या उस कुल जनसंख्या के अंदर पोषण कहां से प्राप्त होता है? पोषण कहां से प्राप्त होता है? पोषण प्राप्त होता है कृषि व्यक्ति को बढ़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट से वसा विटामिन ये सब कहां से मिलता है? भोज्य पदार्थों से मिलता है। भोज्य पदार्थ कहां से प्राप्त होता है? फसलों से प्राप्त होता है। तो हम इसमें कहेंगे कि कुल जनसंख्या में भोज्य फसलें जो है उनका सूत्र भाग दिया जाएगा कुल जनसंख्या में। कुल जनसंख्या में भाग देंगे भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल के अंदर खाने योग्य या खाने की जो फसलें हैं जिनसे अनाज प्राप्त होता है उनका उसके अंदर उत्पादन हुआ है। बाकी में तो कृषि में तो बहुत सारी फसलें हैं, कृषि में तो बहुत सारी है जो व्यापारिक फसलें वो भी इसमें आएगी, कृषि भूमि है। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रिशन जहां से प्राप्त होता है पोषण वाली जो फसलें हैं तो हम इसके लिए लिखेंगे कि भोज्य फसलों का क्षेत्रफल यानी पोषण घनत्व कुल जनसंख्या में भोज्य फसलों का जो क्षेत्रफल है उसका जब हम इसमें भाग देंगे तो ये आपका पोषण घनत्व प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो आपका हुआ कि अलग अलग दिशाओं में जो घनत्व है उस घनत्व का निकालना जरूरी क्यों है तो वो भी देख लेते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर हर एक क्षेत्र पर ध्यान देना होता है। हर एक क्षेत्र पर आबादी है तो आबादी की शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा हमें, तो आबादी की संसाधन कितना है उसके पास उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, और हमें जो योजनाएं बनानी होगी उस योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ये जरूरी है कि कितनी आबादी कितने संसाधनों पर डिपेंड है। तो उन सब का जो एक घनत्व है एक डेंसिटी जो है वो हम ज्ञात करते हैं क्षेत्र की ताकि उनके लिए हम प्लानिंग
बना सके, अच्छी प्लानिंग बना सके। अब क्या ये जो घनत्व है, इस घनत्व को कि हमने सूत्र तो लिख दिए हैं, लेकिन ये घनत्व कैसे ज्ञात किया जाएगा, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसको, तो वो हम यहां देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकते हैं कि ये घनत्व किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। हम एक सूत्र लेते हैं गणित के घनत्व का, क्योंकि ये आपने सरका सूत्र हो जाते हैं और फैक्टोरियल भी है, इसलिए हम इसके बारे में इसी का एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। बाकी आपकी घनत्व का एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल है कि किसी क्षेत्र में 1.5 लाख, 1,50,000 के अंदर क्षेत्र की आबादी कितनी, 1,50,000 आबादी कितनी है, 1,50,000, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल है आपका 100 वर्ग किलोमीटर, क्लियर। हम गणित के घनत्व को ज्ञात करना है, जहां कुल जनसंख्या कितनी है 1,50,000, कुल क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग किलोमीटर। अब इसका घनत्व सूत्र के माध्यम से घनत्व ज्ञात करेंगे तो पीडी होगा आपका एक लाख 50,000 अपॉन 100, ठीक है। तो 0/100 आपका 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, 1,500 लोग निवास कर रहे हैं वहां पर। यह उसका घनत्व है किसका, जिस क्षेत्र की आबादी 1,50,000 है और क्षेत्र में कितना है 100 वर्ग किलोमीटर। क्या यह घनत्व सभी जगह समान है, नहीं ऐसा नहीं है, सभी जगह घनत्व समान नहीं है, सभी जगह संसाधनों के ऊपर डिपेंड होता है। हम पहले बोल चुके हैं कि घनत्व किस प्रकार से संसाधन के तहत संसाधन के अधीन घटता बढ़ता जाता है। संसाधन का अधिक घटता और बढ़ता जाता है। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें कि विश्व स्तर पर जो जनसंख्या है वो जनसंख्या की घनत्व में बहुत अंतर पाया जाता है, जनसंख्या में बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे सारा है, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया है, वहां जनसंख्या घनत्व आपको 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, एक से भी कम मिलेगा, 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां क्षेत्रफल तो अधिक है लेकिन परिस्थितियां कैसी है, विषम परिस्थितियां है, इस कारण से वहां पर आबादी कम निवास करती है। दूसरी बात कि दूसरी तरफ एक शहर है सिंगापुर, जहां पर जनसंख्या घनत्व है 7,797, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर। कहां पे? सिंगापुर। साझा शासन स्थान प्रति वर्ग किलोमीटर, यह वहां पर क्या है जनसंख्या घनत्व है, कहां का? सिंगापुर का। दूसरी तरफ साइबेरिया जैसे जो इलाके हैं वहां पे आपको एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता। दूसरी बात कि विश्व जनसंख्या ब्यूरो सेंटर वॉशिंगटन की भी रिपोर्ट है 2015, उस रिपोर्ट के तहत 47 व्यक्ति रिपोर्ट के अनुसार 47 व्यक्तियों का क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व है विश्व का, वर्ल्ड विश्व जनसंख्या घनत्व कितना है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन इससे क्षेत्रीय असमानता अलग पाई जाती है कि रिपोर्ट अनुसार 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का आबादी जनसंख्या घनत्व विश्व का रहा है। दूसरी बात ऐसे भी अगर हम देखें कि क्या 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सभी जगहों में ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ फर्क है। जैसे एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व आपका 116, इसका 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उससे यूरोप का 32, अफ्रीका का 27, तो ये जो अंतर आ रहा है ये अंतर धीरे धीरे देखें आप कि सिंगापुर का जहां 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल, वही जनसंख्या घनत्व जो है वही विश्व का 2015 की रिपोर्ट देखिए विश्व का 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, और वहीं इस टाइम एशिया का 116 है, यूरोप का 32 है, अफ्रीका का 27 है, और ओशनिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह जो ही है वहां का 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या जो घनत्व है वो किस प्रकार से कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है संसाधनों की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है। बांग्लादेश का अगर रिपोर्ट 2013 के अनुसार, ये हम 2013 के अनुसार बता रहे हैं, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 2013 के अंदर जिस देश की जितनी थी उसके हिसाब से अगर जनसंख्या घनत्व निकाल जाए तो बांग्लादेश का 1,088 2013 के अनुसार अगर निकालते हैं बांग्लादेश का 1,088, भारत का आपके 388, भारत का 388, साथ ही श्रीलंका 312, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपने 2013 के वर्ल्ड पॉपुलेशन सेंसस जो है जनसंख्या गणना जो है उसके अनुसार ये आंकड़े दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व पूर्णतः किस पे डिपेंड है, संसाधनों की उपलब्धता के ऊपर, और जलवायु की जो परिस्थितियां हैं वह अगर अनुकूल है और संसाधन अगर ज्यादा है उपलब्ध है, अगर जलवायु अनुकूल है जिस संसाधन ज्यादा है तो आबादी भी ज्यादा निवास करेगी, जनसंख्या घनत्व भी उस क्षेत्र का अधिक रहेगा। एग्जाम्पल हमारे सामने है सिंगापुर जैसा जो जगह है वहां 7,797 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व धारण किए हुए हैं, तो वही ओशिनिया मान ली सिर्फ 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर धारण किया हुआ है। तो इस प्रकार से पूरा जनसंख्या घनत्व का आपका एक उसके प्रकार और उसका वितरण
ये कंप्लीट हुआ है, लेकिन अब हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे अत्यधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं, अत्यधिक जनसंख्या जनघनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, कम जनघनत्व वाले क्षेत्र और प्राय जनविहीन क्षेत्र, ये सारे जनसंख्या घनत्व को विश्व के इन 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, उनका अध्ययन हम कल करेंगे।